पिछले करीब 2 हफ्तों से देश के तमाम राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सहित देश के कई राज्यों में आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली पर बाढ़ से बारिश का कहर ज्यादा बरपा है। दिल्ली में बाढ़ के बीच राजनीति भी खूब हो रही है। कई विरोधी पार्टियां केजरीवाल सरकार पर पहले से ही तैयार न होने का इल्जाम भी लगा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि ये प्राकृतिक आपदा है, राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की मदद करने का वक्त है। राजनीति करने को पूरी उम्र पड़ी है, आपदा में अवसर ढूंढना बंद करो। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। अपना घर बार छोड़कर सड़क किनारे रहने को मजबूर लोग न किसी एक दल के हैं और न किसी देश के, वे सभी हमारे अपने हैं और उन्हें बचाना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की मदद करने का वक्त है। राजनीति करने को पूरी उम्र पड़ी है, भगवान के वास्ते आपदा में अवसर ढूंढना बंद करो। आपदा और राजनीति, इनका सामंजस्य क्या ही कह सकते हैं। आपदा है जो राजधानी में पांव पसारे बैठी है। इसमें मानवता दिखाने की पहल की है सेवा भारती सामाजिक संगठन ने। समर्थ व सामर्थ्य का उदाहरण देते हुए बाढ़ पीड़ितों के लिए न केवल शिविर का आयोजन किया बल्कि उनके खान पीन व दवाओं का प्रबंधन किया। राजधानी दिल्ली में यमुना में आई बाढ़ के पानी का स्तर थोड़ा कम हो गया है, परंतु नदी के किनारे बसे मोहल्लों में 2 से 5 फुट तक पानी अभी भी भरा हुआ है, जिसके कारण कुछ इलाकों के निवासियों के लिए चुनौतियां अभी जस की तस बनी हुई हैं। साथ ही सड़कों पर यमुना के पानी के अलावा नाले का पानी, कूड़ा कचरा और सीवर की गंदगी भी बह रही है, जिसके कारण आने वाले दिनों में कई तरह की बीमारी फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन सबके चलते सेवा भारती दिल्ली प्रारंभ से ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मनोयोग से राहत कार्य में जुटा हुआ है। लगभग 250 से अधिक कार्यकर्ता सिग्नेचर ब्रिज, जैतपुर, मयूर विहार, यमुना खादर, बुराड़ी, गांधीनगर, यमुना बैंक, मजनू का टीला, शास्त्री बैंक, मेट्रो स्टेशन सहित अनेक प्रभावित स्थानों पर राहत कार्यों में दिन रात जुटे हैं। जहां इन्होंने शिविरों का प्रबंधन किया है, इन शिविरों में पीड़ितों को तिरपाल, भोजन पानी, दवाई, बच्चों के लिए दूध और जनोपयोगी अन्य सामग्री निःशुल्क बांटी जा रही है। सेवा भारती की बाढ़ पीड़ितों के राहत देने वाली इस पहल के समन्वयक दिल्ली प्रांत महामंत्री श्री सुशील गुप्ता के अनुसार, सेवा भारती समाज के सेवाभावी समर्थ परिवार और वंचित परिवारों को जोड़ने वाली एक कड़ी है और वर्तमान बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में हम आश्रय, भोजन, पानी एवं स्वास्थ्य सेवा हेतु पूरी तरह से प्रयासरत है। विशेष रूप से सिग्नेचर ब्रिज के पास बने शिविरों में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को सेवा भारती और कुछ अन्य संगठनों ने सिग्नेचर ब्रिज के पास यमुना नदी के किनारे बसाकर इन लोगों के रोजगार की भी व्यवस्था की थी, लेकिन बाढ़ ने सब समाप्त कर दिया है। फिर से बेघर हुए इन लोगों के लिए फिलहाल रोड के किनारे तंबू की व्यवस्था की गई है। आज समाज में ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है जो जरूरत के समय केवल सेवा भाव से काम करते हैं। आवश्यकता है ऐसी राजनीति की जिसका संदर्भ केवल और केवल जन कल्याण का हो। हमारी अपील है, जरूरतमंदों की मदद करें, सेवा भारती की तरह आप भी सजग हों, आगे आएं, लोक कल्याण में भागीदारी के लिए तन मन धन झोंक कर मानवता दिखाएं। ऐसे ही किसी सकारात्मक संदर्भ के साथ फिर जुड़िएगा हमारी अगली प्रस्तुति के साथ। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।